हे गाइस, क्या आपको भी कोई पर्सन अगर आपको कह रहा है कि हैप्पी बर्थडे, यानी कि हैप्पी बर्थडे अगर आपको कोई व्यक्ति विश कर रहा है तो क्या आपको भी कहनी चाहिए हैप्पी बर्थडे, यानी कि वही सेम रिप्लाई आपको देनी चाहिए? तो जी नहीं दोस्तों, अगर आप ये रिप्लाई देते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के बाद आप किसी व्यक्ति को गलत रिप्लाई देना भूल जाएंगे। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ऐसा रिप्लाई बताने वाला हूँ जिससे आप अगला पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हो। तो सो गाइस, चलिए हम जानते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सो गाइस, चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट रिप्लाई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि हैप्पी बर्थडे, तो आप उसे ये रिप्लाई करें, थैंक यू फॉर योर काइंड एंड जेंटल विशेज। इसका मतलब होता है कि प्यार भरी और अच्छी अच्छी बधाइयाँ देने के लिए आपका धन्यवाद। ये गाइस अक्सर अपने जो फ्रेंड है, जो कोई व्यक्ति है जो अगर आपको कह रहा है, विश कर रहा है हैप्पी बर्थडे, तो फिर आप उसे ये रिप्लाई दे सकते, यानी कि ये जवाब उसे आप कह सकते, जिससे क्या होगा कि अगला बंदा है जो आप में इम्प्रेस हो जाएगा। सो गाइस, इसलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है कि थैंक यू योर विश मेड माई डे मच मोर स्पेशल। ये भी रिप्लाई अगला व्यक्ति को दे सकते। इसका मतलब होता है कि धन्यवाद, तुम्हारी बधाइयों ने मेरे जन्मदिन को और भी ज़्यादा खास बना दिया है। गाइस, ये जो आप ये रिप्लाई उस व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे गाइस अगर आपके जो फ्रेंड है या कहे तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है जो अधिक स्पेशल है, आप उसे ये रिप्लाई देते हैं तो वे आप में अधिक इम्प्रेस होगा। तो सो गाइस, नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट यह है कि माई बर्थडे वुड नॉट बी द सेम विदाउट अ स्पेशल विश फ्रॉम यू, थैंक यू। तो गाइस, ये भी रिप्लाई अगला व्यक्ति को दे सकते हैं। इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि मेरा जन्मदिन इतना खास नहीं हो पाता अगर मुझे आप अपने बधाई नहीं दे होती, धन्यवाद। इसका मतलब कहने का हुआ कि गाइस, जो आपके जो पेरेंट्स है या कहे तो आपको एक टीचर है, गुरु है, अगर वे व्यक्ति अगर आपको हैप्पी बर्थडे विश करता है तो फाइनली आप उनको ये रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या हुआ कि वे काफ़ी ही हैप्पी महसूस करेंगे। तो गाइस, ये रिप्लाई आप हैप्पी बर्थडे के बीच में अगला व्यक्ति को दे सकते हो। सो गाइस, हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले गाइस, अगर और भी रिप्लाई से रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि गुड का रिप्लाई, वेरी गुड का रिप्लाई, कैसे हो का रिप्लाई, ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है कि योर काइंड वर्ड्स मेड माई डे अ मेमोरेबल ऑन, थैंक यू सो मच। इसका मतलब हुआ कि आपके प्यार भरे शब्दों ने मेरे इस दिन को ज़्यादा यादगार बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली गाइस, ये भी रिप्लाई अगला व्यक्ति को दे सकते हैं। उम्मीद है गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, बाय बाय।